दोस्तों वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज आपका परिणाम जो आया है, अगर मैं बात करूं जो है आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, तो काफ़ी अच्छे मतलब मार्क्स आए हैं आप लोगों के। जैसे कुछ लोगों ने वहां पर परसेंटेज लिखे हैं, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, सभी के जो है कमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ सवाल हैं वहाँ पर, कुछ लोगों ने पूछे हैं जो है, तो उनके जवाब मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ जो है। और रही बात जैसे परसेंटेज वगैरह निकालने की बात हो गई, या आपके कई लोग हैं, अगर दो या दो से अधिक में आपके जो है अगर बैकअप की आपकी अगर आई है तो अब क्या होगा, उन सभी के सवाल जो है सवाल के उत्तर जो है इस वीडियो में हम बता देंगे आपको। और शुभकामनाएं उन सभी को जो है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके अच्छे परसेंटेज आए हैं, जो पास हुए हैं उन सभी को, और जिनकी बैक आई है निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निराश होने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसीलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आगे के लिए तैयारी करिए। और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ जो है, कि आप लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और क्या नाम है, रही बात की अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हैं तो आप क्या, आपको अब क्या करना होगा, तो उन सभी के जो है उत्तर के बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। कि तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं एक रिज़ल्ट और उसमें कैसे परसेंटेज निकालेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है एक परिणाम हम देख लेते हैं लखनऊ डिवीज़न का जो है, और किस तरीके से इसमें परसेंटेज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपका बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं जो है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ध्यान रहे आपको जो है, जैसे देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से 10 तक दिया हुआ है, ठीक है, 1 से 10 तक आपके सीरियल नंबर दिए हुए हैं। ये चीज़ जो है वो आपकी ये बताई गई है कि आपको कितने में कितने मार्क्स आपको मिलने हैं तो आप पास होंगे, ठीक है। जो आपका इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन वाला जो पार्ट है, जो आपका मूल्यांकन का जो भाग है, वो पूरा ये है राइट साइड का, ठीक है। मतलब ये दिखाया गया है कि आपका अगर 50 में 25 नंबर अगर आपको मिला है, जैसे अगर बाल विकास की बात की जाए तो आप पास हैं, शिक्षण अधिगम में 50 में 25 है तो आप पास हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 25 में अगर आपके 12 हैं तो आप पास हैं, ठीक है। मैंने बोला था 50% आपका जो है इसमें होता है। चलिए बात कर लेते हैं जो है अब एक्सटर्नल मार्क्स को लेकर के, और आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए आपको यहाँ पर मिला है, यहाँ की बात कर लेते हैं, जैसे बाल विकास में इनको मिला है जो है इस कैंडिडेट को 50 में 43 मार्क्स, ठीक। ऐसे ही शिक्षण अधिगम में 41 है, ठीक है। आप जो है कहाँ तक देखेंगे, इंटर्नशिप तक 100 मार्क्स। आप जो ये ऑब्टेंड मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेंड, इनको आप जो है जोड़ लीजिए, साथ में इंटरनल मार्क्स को आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप इंटरनल को जोड़िए, आप एक्सटर्नल मार्क्स के टोटल को जोड़ लीजिए। होता क्या है, मान लीजिए आपका अगर आया 700, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका आ रहा है 700, तो आपको करना क्या है, इसको आप 800 से जो है भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। टोटल आपका 800 जो है पूर्णांक है। तो कहते हैं ना कि जो परसेंटेज निकालते हैं वो निकालते हैं आपका कितना है कितने में इंटू 100, तो कितना है यानी 700 अगर आया है, ठीक है, वो दोनों जोड़ने के बाद, और कितने में 800 में इंटू 100 कर देंगे। या सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका अगर 700 आया है तो आप डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल आएगा। डिवाइड बाई 8 करेंगे या आप ये करेंगे, एक ही बात हुई, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका 8 ही आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज निकल के आएगा सीधे सीधे आपका जो, या आप सीधे सीधे ये करिए, 700 डिवाइडेड बाई 8, आपका परसेंटेज निकल आएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा जो है, एक मैंने एक रिजल्ट दिखाया जो है लखनऊ डिवीज़न का जो है, और उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने बात की। अब अगर बात की जाए जो है कि सब्जेक्ट्स में कितने आप, जैसे कितने कुछ फेल हुए हैं, अगर एक सब्जेक्ट में है फेल तो फिर ठीक है, आप उसी का री एग्ज़ाम आप देंगे। वेट करिए कब देना होगा, क्योंकि कभी कभी होता है जब री एग्ज़ाम की जो बात होती है, री एग्ज़ाम इन द सेंस कि आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, बैक पेपर देना होगा, री एग्ज़ाम नहीं बोलेंगे उसको, बैक पेपर देना होगा। तो आपका बैक पेपर होगा किसके साथ में, आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे उनके साथ में होता है, तो और उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो आपको जो है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, आपको उन दोनों सब्जेक्ट्स के जो है बैक पेपर आपको देने होंगे। लेकिन आप लोग जब अपना देखेंगे, अगर मैं बात करूँ जब आपको एडमिट कार्ड मिला था तो उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ था कि आंशिक परीक्षार्थी यदि दो विषय से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है, कहने का मतलब है दो से ज़्यादा, अगर आप 3 में अनुत्तीर्ण हैं तो संपूर्ण विषय की परीक्षा देगा। यानी कि आपके जितने भी 8-9 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, आपको पूरे के पूरे जो है सभी के पेपर आपको देने होंगे, अगर आपके 3 में बैक है। 2 में है तो आप उन्हीं 2 पेपर का देंगे जो आपके दोनों जिसमें है, मान लीजिए जैसे साइंस में आपकी आ गई और मैथ में आ गई, तो आप साइंस और मैथ में जो है उसका आप जो है री एग्ज़ाम देंगे, री एग्ज़ाम इन द सेंस बैक पेपर देंगे आप। अगर
साइंस मैथ के साथ में कोई और ले लीजिए, संस्कृत लीजिए, अगर संस्कृत में आ गई तो आपको पूरा पूरा मतलब बाल विकास आपका, टीचिंग आपका, कंप्यूटर आपका, सारे पेपर्स के आपको जो है एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, किंतु यदि एक या दो विषयों में, किंतु एक या दो विषयों में अगर अनुतीर्ण है तो केवल अनुतीर्ण विषयों की ही परीक्षा जो है देगा। तो बस यही था जो है, एक हो गया परसेंटेज निकालने वाली बात, और दूसरी चीज़ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, बाकी रही एक या दो विषयों में कब पेपर होगा, कैसे होगा जो है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, उन सभी के बारे में जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और कोशिश करिए कि आप लोग मुझे बताने की यहाँ पर कि आप सबके परसेंटेज कितने आए हैं जो है परसेंटेज निकालने की, जिस तरीके से मैंने बताया परसेंटेज निकालने का जो है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और बस इतना ही था जो आप सभी से जिसके बारे में बात करनी थी। कुछ वो ध्यान रखें जो है, जो बैग जिनकी आई है या जो भी है, बिल्कुल निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, तो बिल्कुल निराश मत होइए जो है, आगे और भी अच्छा होगा आपका जो है, जो भी परिणाम होगा अच्छा होगा, कोशिश करिए जो है। और बाकी कुछ चीज़ें जो बची हैं, कोई सवाल है आपका जो है, या कुछ सुझाव है, सवाल ही होंगे जो है ज़्यादा मैं मान सकता हूँ आज जो है अगर बात करूँ तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा जो है, उसके उत्तर आप वो मैं कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो बना करके मैं उसके उत्तर आप सभी को दे दूँगा। तो चलिए, एक बार फिर से जो है शुभकामनाएं आप सभी को, जिनके परिणाम जो है अच्छे आए हैं, और जिनके अगर नहीं भी आए हैं अच्छे पूरी तरीके से, तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी शुभकामनाएं आगे के लिए। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।